ए वाला एग्जिट पोल पूरा टेंशन में डाल दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार इसी के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, और जो लोग मेरे चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, इंतजार की घड़ी होने वाला है खत्म, क्योंकि 4 जून को रिजल्ट आने वाला है। और रिजल्ट आने से पहले ही सभी बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले अपना अपना ओपिनियन दिया है, यानी एग्जिट पोल बनाया है। और एग्जिट पोल के हिसाब से एक बार फिर से भारत में मोदी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबकी टकटकी लगी हुई है भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के ऊपर, क्योंकि पहली बार भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी कलाकारों को टिकट मिला था, यानी टिकट पे लड़े थे, लेकिन पवन सिंह बिल्कुल निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। और अब बस लोगों का इंतजार है कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का क्या होता है 4 जून को। और सभी बड़े बड़े चैनल वाले अपना अपना एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, कोई बता रहा है कि पवन सिंह चुनाव जीत सकते हैं, तो कोई बता रहा है कि पवन सिंह चुनाव हार सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही बड़ा न्यूज चैनल वाला ने पवन सिंह को लेकर गजब का एग्जिट पोल बना दिया है, जो कि आप लोग सुनेंगे तो दंग हो जाएंगे। इंडिया टीवी करके एक न्यूज चैनल है, इसने बताया है कि पवन सिंह को सिर्फ 30-40 हजार वोट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, एक टीवी चैनल वाला ने अपने एग्जिट पोल में दिखाया है कि पवन सिंह को सिर्फ 30-40 हजार वोट मिलेगा। और ये बहुत ही बड़ा चैनल वाला है, लेकिन पता न किस हिसाब से बता रहा है कि पवन सिंह को सिर्फ 30-40 हजार वोट मिलेगा। तो चलिए हम भी देखते हैं 4 जून को किसका एग्जिट पोल सही होता है। बाकी आप लोग अपना अनुमान लगाकर बताइए भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को कितना वोट मिल सकता है कराकाट में। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। धन्यवाद दोस्तों।